नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता गुजरात की तरह ही भाजपा को सबक सिखाने का मन बनाए हुए लगती है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दशा में न तो पहले कांग्रेस से हार मानी है और न ही वर्तमान में भाजपा के साम दाम दंड भेद व अन्य हथकंडों से हार मानने वाली है। पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लगभग 4 साल व पार्टी के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, इसलिए देश और प्रदेश दोनों में हालात बेहतर होने के बजाय बदतर ही होते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता इनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए अब और ज्यादा भ्रमित होकर भाजपा के फरेब में आने को तैयार नहीं लगती। प्रधानमंत्री मोदी की बार बार की भावुकता व उत्तर प्रदेश सरकार की भगवाकरण की राजनीति से प्रदेश की आम जनता का पेट नहीं भर रहा है और न ही यहां के लोगों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी व महंगाई कम होकर उन्हें थोड़ा राहत ही दे पा रही है। लिहाजा आम जनता के पास वोटबंदी का जो जबरदस्त लोकतांत्रिक हथियार है उसे वह भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता गुजरात की तरह ही भाजपा को सबक सिखाने का मन बनाए हुए लगती है। सच तो यह है कि गुजरात की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। मोदी और अमित शाह ने काफी तिक्रम कर किसी तरह फिर से सत्ता तो दिला दी, लेकिन 150 सीटें दिलाने का उनका दंभ धरा रह गया। उनकी पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पाई। जब मोदी के अपने ही राज्य में पार्टी का जनाधार खिसक गया तब और जगह क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की जनता खासकर नोटबंदी और नए कर कानून जीएसटी के आर्थिक जख्मों से कराह रही है। फिर भी भाजपा की केंद्र व राज्यों की सरकारें अनगिनत हवा हवाई दावों से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रही है। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां शिक्षित बेरोजगारों को उनकी क्षमता व डिग्री के अनुसार नौकरी मुहैया कराने के बजाय उन्हें चाय व पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर करना चाहती है। क्या ऐसे ही भारत आगे बढ़ेगा व आयुष्मान होगा? बसपा प्रमुख ने कहा कि बसपा किसी भी दशा में न तो पहले कांग्रेस से हार मानी और न ही वर्तमान में भाजपा के हथकंडों से हार मानने वाली है। इसने अपने संघर्ष व त्याग से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि भारत उनके सपनों का असली समतामूलक राष्ट्र बन सके। विडंबना यह कि भाजपा सरकार बाबा साहब के बनाए संविधान को ही बदलने की बात करने लगी है। इनका इरादा ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि मायावती के इस रुख से उन्हें क्या सियासी फायदा मिलता है और वो जनता को भाजपा से दूर करने में कितना सफल हो पाती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स की YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।